नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे बैटल ग्राउंड इंडिया। फाइनली इस गेम का ऑफिशियली ईली एक्सेस आ चुका है। इस गेम को अभी तक बहुत सारे लोग खेल रहे हैं। दोस्तों आप भी इस गेम को ऑफिशियली खेल पाओगे। दोस्तों ये गेम बिल्कुल पबजी की तरह ही है, बस नाम चेंज करके आया है। आई थिंक पबजी कन्वर्ट टू BGI। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस गेम के इंटरफेस, गन स्कीम वगैरह को देखोगे तो ऑलमोस्ट सब सेम ही है। इसकी सेटिंग, कंट्रोलर, सब कुछ सब पबजी की तरह ही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों, अगर आपके पास पुरानी पबजी आईडी थी, उसमें आपने बहुत सारी यूसी खर्च करे थे स्कीम के लिए, तो दोस्तों वो सब कुछ आपको दोबारा वापस मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को इस गेम का ईली एक्सेस नहीं मिला है, फिर भी आप इस गेम को खेलना चाहते हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप इस गेम को कैसे खेल सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसका APK और OBB फाइल डाउनलोड करना होगा। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप सीधे डाउनलोड सेक्शन में जा सकते हो। इसके बाद में आपको फाइल मैनेजर में जाना है। फ्रेंड्स, अब आपको APK या डाउनलोड के ऑप्शन में जाना है और बैटल ग्राउंड इंडिया ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद फ्रेंड्स, पहले इसे एक बार ओपन करके वापस क्लोज कर देना है। इससे OBB में एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद में डाउनलोड के ऑप्शन में जाकर OBB फाइल को मूव या कॉपी कर लेना है। इसके बाद में एंड्रॉयड के ऑप्शन में जाना है। अब OBB फोल्डर पर क्लिक करना है। इसके बाद में फ्रेंड्स, com.pubg.imobile के फोल्डर में जाकर इसे पेस्ट कर देना है। इसके बाद होम स्क्रीन पर आकर इसे ओपन कर लेना है। अब आप यदि फोटोज और मीडिया के लिए एक्सेस देना चाहते हो तो अलाउ पर क्लिक करना है, अदरवाइज देने के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद स्टोरेज के लिए परमिशन को अलाउ कर देना है। अब फ्रेंड्स, आपको रिसोर्स पैक डाउनलोड करना है। इसके लिए आपको नॉर्मल या SD दोनों में से एक चूज करके ओके पर क्लिक कर देना है। रिसोर्स पैक डाउनलोड होने के बाद में एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड्स, टर्म्स एंड कंडीशन के ऑप्शन पर टिक करना है और इसके बाद में ट्विटर, फेसबुक या अदर आईडी के द्वारा लॉगिन करके इसे खेल सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज का हमारे वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं।